जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आज पहली मरतबा इतना सवेरे उठा हूँ, बिकॉज आज का मौसम इतना ठंडा था, मैं ऊपर सोया था तो सवेरे उठ गया तो मैंने सोचा थोड़ा टहलने चलते हैं तो मौसम देख सकते हैं ऊपर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने स्कूल में, स्कूल के पास जहाँ से मैंने 10th पास किया था, तो अभी फ़िलहाल ये खुला हुआ है तो अभी इसमें मैं अंदर खा दिखा दूँगा। गाइस ये स्टेज है और यहीं से हम लोग जो प्रेयर करवाते थे बच्चों को, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर प्रेयर करवाते थे बोर्ड के नीचे, और यहाँ पे बच्चे सब हम लोग लाइन में खड़े होते थे और यहाँ प्रेयर होता था। यही वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग प्रेयर कराते थे और बाकी सब टीचर यहाँ पे थे। तो और हम लोग जब 10th में थे तो ये हम लोग का रूम था, बट अब सब चेंज हो गया है, ये हम लोग का 10th का रूम था और इसमें हम लोग 9th में थे और बाकी तो हम लोग ऊपर थे। तो अभी चलते हैं ऊपर। मैं आ चुका हूँ अभी ऊपर छत पे, तो और ये हम लोग जब पढ़ते तो हम लोग का ये रूम था क्लास 5th और वो आगे वाला 6th का था, और लास्ट में जो था हम लोग 8th में पढ़ते थे उसमें, तो काफ़ी मज़ा भी आता था और उसकी यादें भी बाकी है। मतलब आते रहते हैं हम लोग कभी कभी शाम में तो टहलते रहते हैं भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते, मैं तो एकदम थक ही गया। तो अभी चलते हैं इसके और ऊपर, काफ़ी अच्छा सीन वहाँ से मस्त सीन आता भाई साहब। तो इसमें अभी ताला लग चुका है, हम ऊपर नहीं जा सकते तो वापस जा रहे हैं नीचे। शायद आज भी मुझे याद है जब मतलब लंच हुआ करता था तो हम लोग यहीं सीढ़ियों पे बैठा करते थे, सभी दोस्त यहाँ पे लाइन मतलब ऐसे बैठते थे और मस्ती करते थे। तो आज मैं सुबह सुबह टहलने आ गया तो फिलहाल ये खुला ही था, तो मैंने सोचा चलो आज स्कूल की यादें तो जुड़ी हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब मज़ा कर लेते हैं। और यहाँ के काफ़ी सुकून मिला यार, गजब की जगह ये हमारा स्कूल की यादें। मतलब एक वक्त के बाद सब कुछ बदल जाता है, ये देखो इधर भी मतलब पूरा का पूरा चेंजेस हो गए हैं इस स्कूल में। हम लोगों ने करीब 2018 में यहाँ से हम लोगों की फेयरवेल पार्टी हुई थी, 2018 में हम लोग 10th में थे तो उसके बाद एग्ज़ाम दिए और काफ़ी अच्छा नंबर भी आया था मेरा और सबका भी अच्छा मतलब जो था नंबर आया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरे कॉलेज में हो गए थे। तो यार इस स्कूल से यादें जुड़ी हुई हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी चलते हैं वापस नीचे की तरफ, मतलब एकदम थक जाते हैं यार ऊपर ऊपर नीचे जब हम पढ़ते थे ऊपर नीचे करते करते एकदम, लेकिन मज़ा भी आता था उस टाइम में। तो अभी यहाँ की ये फील्ड है प्लेग्राउंड, हम लोग इसी में मैच भी खेलते रहते थे, प्लेग्राउंड है यहाँ का। तो भाई साहब आज का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो भाई देखता है तो भाई साहब काफ़ी मस्त, ये देखिए ये तो भाई राजा यार, हाय हाय क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे मतलब बहुत से चेंजेस आए हम लोगों के जाने के बाद, ये सब पूरा का पूरा एकदम चेंज, क्योंकि इसमें मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर आने लगे थे। तो गाइस ये काफ़ी मस्त जगह है, लंच की टाइम में हम लोग यहाँ भी पेड़ के नीचे ही बैठा करते थे, काफ़ी मतलब उस टाइम यार क्या बताएं एकदम मज़ा ही मज़ा था यार, न किसी चीज़ का टेंशन न ये न वो, बस अपनी लाइफ जियो। और ये जो पेड़ है ये शायद हम ही लोगों ने लगाया था, आज इतना बड़ा हो गया है हम लोग को दिखाऊं मैं क्या, मैं तो खुशी से एकदम यार क्या दिखाएं गजब। और अभी मैं बहुत चीज़ दिखाने को बाकी है कि ये पेड़ से उसके अब वो जो पेड़ है वो भी हम ही लोगों ने शायद लगाया था बट याद नहीं है,
मौसम रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से पूरा भीगा भीगा हुआ है। और भाई साहब पेड़ की छांव में यहाँ पे भी हम लोग बैठते रहते थे। और भाई साहब मैंने इस पेड़ के पास मेरी एक वीडियो है घोसी आदादारी, मेरे भाई जो गांव में चलाता रहता है घोसी आदादारी यूट्यूब चैनल, तो इस पेड़ के पास मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने मनकबत पढ़ी थी। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कहाँ की वीडियो है, तो भाई साहब यहीं की वो वीडियो थी जो मतलब मेरा दोस्त है गाँव का अली इमाम घोसवी, उसका एक YouTube पे चैनल है घोसी आदादारी, उसने बनाया था वीडियो। और उसका एक व्लॉग चैनल भी है अली इमाम घोसवी, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दें। हो गया, तो अब मेरे चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही व्लॉग मैं डेली लाता रहूँगा, डेली नहीं बट आज मैं सवेरे उठ गया, मौसम मतलब ठंडा था तो सवेरे उठ गया, तो आज आप लोगों के लिए एक मस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट घोसी का लड़का। भाई साहब आपको व्लॉग देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत खुशी है यार, इतना अच्छा मौसम और यार क्या गजब की हवा लग रही है, एक तो पहना हूँ एकदम ठंडी ठंडी लग रही है, और ये इधर इधर साइड की क्यारी और ये पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये है पीछे का बैकग्राउंड, बैक तो मतलब ये मेन गेट यही है, बट उधर से आते हैं तो अब पता नहीं चेंजेस हुआ यार। ये क्या काफी मस्त व्यूज आ रहे यार, वाओ। चलते हैं अभी इस स्कूल से, और चाबी मेरे पास ही है तो अभी चलते हैं बाहर और इसको बंद कर देते हैं। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।